नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंधित में। जी हाँ दोस्तों, यह जो न्यूज़ दी गई है यह अभी अभी हाल ही में अपडेट हुई है। वह दोस्तों, इस न्यूज़ का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की तरफ से। यह आदेश जारी किया गया है जो कि यूपी पुलिस परीक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। यदि आप पुलिस के फॉर्म भरे हैं या फिर आप पुलिस के फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी या फिर गुड न्यूज़ हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से। आया है जो आदेश आया है यूपी पुलिस वालों को, भाई क्या आदेश आया है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो आदेश मैं पेश करने वाला हूँ यह दोस्तों भर्ती से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो क्या आदेश है। दोस्तों यह न्यूज़ जो यहाँ पर दी गई है नव भारत खबर न्यूज़ पर है। दोस्तों इसमें कहा गया है यूपी पुलिस में सुप्रीम कोर्ट यानी एससी में सुप्रीम कोर्ट ही होता है सर, एससी के आदेश के बाद सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के 833 पद पर होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 833 पद पर भर्ती होने वाली है जो कि यूपी एसआई की होने वाली है। यह आदेश दोस्तों दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से आया है, क्योंकि यह आदेश को मानना तो जरूरी होता है, क्यों तो इसलिए यूपी में जल्दी जल्दी 833 की भर्ती होगी। चलिए दोस्तों, और डिटेल से जान लेते हैं इसमें और डिटेल क्या दी गई है। दोस्तों इसमें मुख्य बातें यहाँ पर हैं, सब इंस्पेक्टर के पदों पर जल्द होगी भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराने के आदेश दिए हैं, और दोस्तों भर्ती सब इंस्पेक्टर के 833 पद खाली होंगे, यानी जो पद खाली हैं वह 833 पर भरे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और इसमें क्या अपडेट दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही सब इंस्पेक्टर के पद खालियों पर भर्ती होगी, यानी कि जितने भी पद हैं उस पर जल्दी से जल्दी भर्ती होने वाली है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पुलिस विभाग में जारी संख्या के खाली पद को ध्यान में रखते हुए, जिनके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 833 पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों जो 2011 में भर्ती हुई थी उसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों उसमें बताया गया है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 833 पद खाली हुए थे, क्योंकि 607 उम्मीदवारों ने ट्रेनिंग छोड़ दी थी, जबकि बचे हुए उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाए थे। इसलिए इन्होंने सब पिछली 2011 में हुई थी वह सब कैंसिल हो गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर 8000 पद खाली हैं। कितने? 8000 पद खाली हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 833 पद भरने का अभी अभी आदेश दिया है, बाकी पद बाद में भरे जाएंगे। दोस्तों अभी भरने वाले हैं ओनली 833, बाकी जितने बचते हैं यहाँ पर 7000 के समथिंग वो बचेंगे। तो दोस्तों 7000 जितने भी 8000 में से आप यहाँ 8000 पोस्टों में से आप 833 माइनस करोगे दोस्तों 67 पोस्टें यहाँ पर बचने वाली, यानी कि 7067 पोस्टों पर भर्ती बाद में होगी, अभी फिलहाल होने वाली है 833 पदों पर। तो दोस्तों यदि आपको यह न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया अपडेट रहता है मैं आप तक आसानी से उसको पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।